नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं टॉपिक स्टडी पार्ट ऑफ अकेडमी। सुबह 5 बजे आपको पता है कि बाबा का काला जादू आता है, यानी ब्लैक मैजिक शो आता है, और उस ब्लैक मैजिक शो में कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो आप सोच नहीं सकते हो। चलो, साल का अंतिम दिन है, जो भी मतलब पाप वाप किया होगा ना, एग्जाम कुछ लेके, पाप इन द सेंस कि यार दिल से कहें तो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं यार, मेहनत करते हो पता गलत डायरेक्शन में आपकी मेहनत चली जाती है। तो इसीलिए 24 घंटे आपके पास है, कुछ ऐसा कर जाओ जो आने वाले समय में जो आपकी पीढ़ी है वो याद रखेंगी कि भाई वो पढ़ता था तो ज़बरदस्त जॉब लगा है। ठीक है, तो बस ईश्वर का नाम लीजिए, जो साल गुजरा आज अंतिम दिन, सब कुछ माफ़ करे। अब समझ ही गए होगा कि मैं बार बार ईश्वर पर जोर के दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ आज इसी तरीके के ट्रिक हैं जो आपके देखने को मिलेंगे। तो क्या ट्रिक है, क्या क्वेश्चन है, जरा चलते हैं और देखते हैं। लेकिन उसके पहले आपको पता है कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन प्रत्येक ब्लैक मैजिक शो में आपको देता हूँ, ताकि आप अवेयर रहो, जानो कि बाबा 10 को लेकर आपके मन में जरा सा भी शंका ना रहे। क्योंकि मैं और आकाश सर कुछ ऐसे ही डिजाइन कर रहे हैं मैथ और जीके को लेके, ताकि मैथ और जीके, क्योंकि रीजनिंग की जो बात करेंगे रेलवे में ना, तो वो तो बेड़ा पार हो ही जाएगा रीजनिंग, लेकिन मैथ और जीके एक ऐसा सेक्शन है 40 क्वेश्चन और 30 प्रश्न, यानी 70 क्वेश्चन का, ये 70 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा NTPC या ग्रुप डी की। ठीक है, तो याद रहे 2020 में मिलेंगे हम लोग नए एनर्जी के साथ, कुछ स्पेशल के साथ। ठीक है, तो देखते हैं आज का ट्रिक क्या है। भारत में विभिन्न धर्म, यानी भारत में जो धर्म है, आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारत में जो विभिन्न धर्म है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में, घटते क्रम में देखेंगे कि सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा धर्म मानने वाले हैं भारत में, वो कौन से हैं। सर कहता है क्या, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपको पॉलिटिक्स में पढ़ा चुका हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारे प्रस्तावना में साफ साफ शब्दों में लिखा है। तो और विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे अधिक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म। अब सोचो, देखोगे तो बगल में ही हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कहते भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई रहते हैं ना। तो भारत ही ऐसा देश है वर्ल्ड में, विश्व में, जहां पे सबसे अधिक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए कहा गया कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सर कहते हैं भारत के गंगा जमुनी तहजीब का परिणाम है कि सभी धर्मों के लोग अपने धर्म को मानते हुए भाईचारा की भावना के साथ इस देश में सदियों से रह रहे हैं। अभी ईद आएगा तो सेवैयां खाने के लिए मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाएंगे, दुर्गा पूजा आएगा, दशहरा आएगा तो वो हमारे यहाँ आएंगे, मतलब आना जाना। इसीलिए कहा गंगा जमुनी की तहजीब का परिणाम है, गंगा यानी जमुना, इसीलिए क्योंकि देखा जाए तो ताजमहल, आगरा सब कुछ क्या है, वही तो जमुना की नदी किनारे। तो गंगा जमुनी तहजीब का परिणाम है कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को मानते हुए भाईचारे की भावना के साथ इस देश में सदियों से रह रहे हैं। तो समझते हैं कि क्या आज के ट्रिक में है, ईश्वर भला करे, भारत में विभिन्न धर्म यानी हम ईश्वर, दो चार बार बोलेंगे, जैसे मैंने कहा था मतलब पिछले लेक्चर में हुआ था, पूजा को जुकाम है, तो पूजा को जुकाम है यानी क्या होता, कोलकाता में कितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनुसंधान संस्थान, तो वैसे ही ट्रिक है। हम ईश्वर क्या होगा, हम ईश्वर का, हमसे सबसे ज्यादा अगर धर्म वाले हैं तो हिंदू हैं, 80% 80% हिंदू निवास करते हैं भारत में, फिर मुस्लिम 13%, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है, याद रखना, डेटा हो सकता आगे पीछे हो तो परेशान मत होना सर, आपने कुछ गलत बता दिया, बस हम ये देख लें, हम ईश्वर, तो ई से ईसाई क्रिश्चियन की बात करें 2.5%, सा से सिख की बात करें 1.9%, वा से बौद्ध की बात करें बुद्धिन 0.4%, और अदर में अन्य राह ना, अदर अन्य, अन्य में आप जैन ले लो, पारसी ले लो, तो इन एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया। तो याद रहे हम ईश्वर से निकल जाता है कि भारत में कौन कौन से धर्म वाले निवास करते हैं। ठीक है बच्चों।
तो ये रहा ट्रिक और ये रहा शेड्यूल आपका। मैं बार बार आपको शेड्यूल इसलिए दिखाता हूँ कि अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि रोहित सर कहाँ है, तो केवल और केवल टॉपिक स्टडी अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो शॉर्ट ट्रिक है वो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साल का अंतिम दिन अपने आप में कमिटमेंट करिए कि नया साल में कुछ अच्छा कर जाएंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारे पेरेंट्स को, माँ बाप को हम पर नाज होगा। चलिए मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक